मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि मैं दो शब्द बोलना चाहती हूं। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके समक्ष मैं अपील करना चाहती हूं, मुझे मौका दें। इस 5 साल की सरकार में हम तिल तिल मरे हैं, इस 5 साल की सरकार में हम तिल तिल मरे हैं। अब 7 तारीख को जो महापर्व होगा, 7 तारीख को जो महापर्व होगा, उस दिन इनकलाब होगा, हर उस दुख का जवाब होगा, उस दिन इनकलाब होगा। मैं अपने शहीदों के नाम, मैं अपने शहीदों के नाम, अपने किसान भाइयों के नाम, मैं अपने शहीदों के नाम, अपनी माताओं के नाम, अपनी बहनों के नाम, अपने युवा साथियों के नाम, अपने पिता तुल्य, मेरी जनता के नाम, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूं कि ये जोश जो है, इस जोश को कायम रखना है। 7 तारीख को हम जवाब देंगे, 7 तारीख को यह जनता जवाब देगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस 7 तारीख को, ये जो 7 तारीख आएगी और हमारा जो साइकिल का बटन दबेगा, उन शहीदों के नाम दबेगा, उन शहीदों के नाम दबेगा। मैं आज सबसे ये वचन लेती हूँ कि आज इसी वक्त से आप सब वचनबद्ध हैं कि 7 तारीख को आप अपना मतदान करेंगे, साइकिल का बटन दबा करके माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने में मछली शहर से एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। अभी सुनने में आया है बीजेपी वाले राशन बांट रहे हैं, राशन। पहले ये लोग राशन नवंबर तक दे रहे थे, फिर चुनाव हो गया मार्च में, तो आप कहने लगे मार्च तक राशन देंगे। ये पत्रकार साथियों, आप जानकारी कर लेना, और ये मोबाइल वाले गूगल से पता कर लेना, इन्होंने ना उत्तर प्रदेश के बजट में और ना दिल्ली के, ना यूपी के बजट में, ना दिल्ली के बजट में हमारे गरीबों के राशन के लिए कोई पैसा रखा है। इन्होंने दोनों बजटों में पैसा नहीं रखा है, इसलिए हम आपको गरीब किसान भाइयों, माताओं बहनों बता के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी, आप मशीन पर साइकिल का बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ। केवल राशन नहीं, इधर सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? जब पिछली बार वोट दिया था तो बताओ कितने रुपए लीटर था? 40 रुपए लीटर था, और आज 200 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? मैं अपने गरीबों को कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनने पर बच्चों के लिए दूध का मिल्क पाउडर और आपके लिए चाय बनाने के लिए मिल्क पाउडर 1 किलो फ्री दिया जाएगा, सरसों का तेल 1 लीटर फ्री, और हमारे गरीबों का भी स्वास्थ्य अच्छा हो, पौष्टिक भोजन के लिए 1 किलो घी भी फ्री दिया जाएगा। बीजेपी के लोगों ने हमारे गरीबों का मुंह मीठा भी नहीं करने दे रहे हैं, चीनी छीन ली कि नहीं छीन ली? इसलिए गरीबों को चीनी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। क्या कह रहे थे वो, जो लोग इंटर पास कर लेंगे और 12वां पढ़ने जाएंगे उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो बीजेपी खिलाएगी कमल या एसपी की चलेगी साइकिल,
पार्टी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक, या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता? क्या है यूपी की चाहत? देखिए जय भारत।